आज के इस वीडियो का टॉपिक होगा बेडरूम इलेक्ट्रिकल। इसको आप इंटीरियर इलेक्ट्रिकल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक कंप्लीट बेडरूम का इलेक्ट्रिकल कैसे किया जाता है और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने जो है कुछ शॉर्टकट यूज़ किए हैं चीज़ों के लिए और कुछ जो है रिफ्लेक्टेड सीलिंग वाले पॉइंट्स भी हमने यहाँ पे ऐड किए हैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रिकल में वो सारी चीज़ें दिखाने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपने रिफ्लेक्टेड सीलिंग वाले इलेक्ट्रिकल नहीं देखी, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, या फिर आई बटन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस बेडरूम की। तो ये बेडरूम जो है 14x11 का है और इसका जो है इंटीरियर इलेक्ट्रिकल हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ शॉर्टकट यूज किए हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं MSB यानी मेन स्विच बोर्ड, और यहाँ पे जो है ये दो पॉइंट्स हैं BS1 और BS2। मतलब ये हुआ कि बेड साइड 1 और बेड साइड 2, यानी दोनों साइड की जो है एक आपका BS1 हो गया, एक BS2 हो गया, प्लस LCD। और इनके अंदर जो है कितने सारे पॉइंट्स होंगे वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। अगर आपको ये बेडरूम का इलेक्ट्रिकल समझ में आ जाता है तो आप जो है इन फ्यूचर जो है जब भी आप घर बनाएंगे तो वहां पे जो है आपको अपने हिसाब से जो है अपने बेडरूम में इलेक्ट्रिकल दे सकते हैं। प्लस आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या चीज़ है इस वीडियो में जो है मिसिंग है या नहीं है वो आप हमें कमेंट में रिकमेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर अगर हम कभी इलेक्ट्रिकल वीडियो बनाएं तो हम उसमें वो पॉइंट डाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि किस स्विच बोर्ड में कितने सारे पॉइंट हमने दिए हुए हैं और उसकी प्लेसमेंट किस तरीके से हमने करनी है। तो यहाँ पे जो है बेडरूम का ये लेआउट है और इस बेडरूम की एंट्रेंस यहाँ पे है। तो हम जब भी बेडरूम में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें जो है एक लाइट की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक बल्ब की जरूरत पड़ती है। तो उसको जलाने के लिए जो है हमें मेन स्विच बोर्ड की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे रूम का मेन स्विच बोर्ड होता है, और उसको ऐसी जगह पे दिया जाता है जहाँ पे बहुत ही आराम से जो है आपका हाथ पहुँच सके, आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो जैसे ही दरवाजा ओपन होता है या तो आप उसको लेफ्ट साइड में दे सकते हैं या फिर आप उसको राइट साइड में दे सकते हैं। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया, ये 1.5 फुट की स्पेस है, यहाँ पे हमने स्विच बोर्ड दे दिया। और दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे बनता है, आप यहाँ पे भी स्विच बोर्ड दे सकते हैं, मेन स्विच बोर्ड। तो दोनों में से कोई एक जगह पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है MSB हमने प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे जो है पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि इसमें जो है कितने सारे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले जो है एक लाइट यानी बल्ब का जो है एक पॉइंट होगा जो कि आपके LCD के ऊपर हमने प्लेस किया हुआ है वो लाइट को, यहाँ से हमने लूपिंग दिखाई हुई है। और ये जो स्विच होगा ये होगा आपका टू वे, यानी दो साइड से कनेक्टिविटी होगी इस बल्ब की। यहाँ से आप ऑन करेंगे और बेड पे जाने के बाद जो है आप उसको ऑफ कर देंगे। तो इस तरीके की दो साइड से कनेक्टिविटी होती है, उसको बोलते हैं हम टू वे। उसके बाद जो है आपका यहाँ से फैन का एक पॉइंट होगा, स्विच बोर्ड होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सीलिंग लाइट, जो भी आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये दो सीलिंग लाइट इधर है, दो सीलिंग लाइट इधर है, और इन दोनों के लिए मैंने इन दोनों के लिए एक स्विच रखा है और इन दोनों के लिए एक स्विच रखा है, यानी कि आपको दो दो करके जलाने होंगे एक स्विच से। तो दो स्विच इसके लिए बन गए। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे आता है एक 5 to 6 एम्पियर का सॉकेट और उसको चलाने के लिए स्विच। तो इतने सारे पॉइंट आपके हो जाते हैं मेन स्विच बोर्ड में। फिर से एक बार आप देख लीजिए, एक आपका टू वे का स्विच हो गया, आपका एक फैन का हो गया, इसमें रेगुलेटर नहीं होगा सिर्फ स्विच होगा, आपका सीलिंग लाइट हो गई, और आपका एक सॉकेट और उसका स्विच हो गया। तो ये सारी चीजें जो आपकी आ जाती है इसमें। अगर और कोई अगर कमी लग रही हो आपको तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये सारी रिक्वायरमेंट जो हमने यहाँ पे दिखाई है वो स्टैंडर्ड है, ये सारी चीजें एक रूम में होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे BS1 की। तो बेड साइड 1 जो है हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या सारे पॉइंट दे रखे हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका AC का, यहाँ पे एक AC का स्विच आएगा। उसके बाद जो है आपका एक यहाँ पे इंटरकॉम या फिर वाईफाई का जो है कनेक्शन होगा इस रूम में, उसके लिए जो है एक सॉकेट आता है जो स्विच के साइज का होता है। और यहाँ पे जो है आपको एक कनेक्टिविटी जो है साइड टेबल लैंप के लिए देनी होगी। दूसरा जो है आपका फैन रेगुलेटर आप इस साइड में रख सकते हैं। और जो नेक्स्ट होगा वो होगा आपका 5 to 6 एम्पियर का एक सॉकेट और उसको ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच। तो इतनी सारी चीजें आपको इस साइड में मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा BS2। तो BS2 में हमने क्या क्या चीजें दी हैं वो भी एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे जो भी आपका वो टू वे लाइट था ना, उसको हमने यहाँ से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे जैसे ही आप बेड पे आएंगे तो बेड पे आने के बाद जो है आपको उठने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से जो है उस लाइट को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है
आपका ये जो कनेक्टिविटी है ट्यूबलाइट की, यहीं से होगी BS2 से, तो यहाँ पे इसके लिए एक स्विच देना होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक लैंप है, लैंप के लिए भी एक स्विच होगा, प्लस सीलिंग लाइट के लिए अगर आपको यहाँ पे रखना है तो आप रख सकते हैं टू वे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको सीलिंग के लिए जो है आपको इलेक्ट्रिकल टू वे चाहिए तो आपको यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है एक सॉकेट मैं दूंगा 5 to 6 एम्पियर और उसके लिए एक स्विच। तो ये सारे पॉइंट्स आ जाती हैं। उसके बाद जो है हम बात करेंगे LCD की। LCD काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे LCD के लिए आपको सबसे पहले जो चाहिए, एक जो TV के लिए एक सॉकेट चाहिए होता है जो कि TV के हाइट पे ही लगाया जाता है, और उसको ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच चाहिए जो कि आपका नीचे आ जाएगा, यानी जहाँ पे भी आपने ड्रॉर दिए खाया होगा, जहाँ पे नीचे एक ड्रॉर होता है। जब भी आप LCD यूनिट डिज़ाइन करते हैं तो क्या होता है, पूरी पैनलिंग होती है ऊपर और नीचे जो होते हैं कैबिनेट या फिर ड्रॉर होते हैं, तो ड्रॉर के पास जो है आपके स्विचेस आ जाएंगे, यानी कि 1.5 या 2 फुट की हाइट पे, और जो TV का एक सॉकेट होगा वो 4 फुट की हाइट पे जाएगा। तो यहाँ पे एक सॉकेट हो गया TV के लिए, दूसरा सॉकेट हो गया आपका सेटअप बॉक्स के लिए जो कि आपका 2 फुट की हाइट पे आएगा, और एक एक्स्ट्रा 5 एम्पियर सॉकेट जो होगा वो आपका होगा कि एक्स्ट्रा अगर कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आपका होम थिएटर आपको यूज़ करना है या फिर कुछ और भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको तो यहाँ पे कम से कम 3 जो है आपको 5 एम्पियर रखने होंगे, और एक जो है आपको 15 एम्पियर प्लस जो है 5 एम्पियर दोनों का कंबाइंड होकर एक आता है सॉकेट, वो रखना होगा कि इन फ्यूचर मान लीजिए कि कोई आपका सॉकेट यहाँ पे ख़राब हो गया तो आप उसको चाहे तो 5 एम्पियर भी कन्वर्ट कर सकते हैं और 15 एम्पियर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ों की यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी जो अलमीरा है, तो अलमीरा के लिए भी हमें एक लाइट पॉइंट चाहिए होता है, एक बल्ब के पॉइंट चाहिए होते हैं जिससे कि कल को हम जो है अलमारी के अंदर लाइट दे सकें, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है जब हम कपड़े निकालने जाते हैं, तो वहाँ पर भी एक लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका स्विच जो होगा वो अंदर ही होगा, या फिर कुछ इस तरीके से आपको अरेंज करना होगा, जैसे कि आपका फ्रिज में जो डोर होता है ना, कि डोर ओपन करते ही जो है आपके लाइट जल जाती है, तो इस तरीके से आपकी कुछ सेटिंग यहाँ पे करनी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इस कोने में हमने 2 पॉइंट्स दिए हैं, एक 15 एम्पियर और एक 5 एम्पियर, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे मान लीजिए कि आपके एरिया में जो है विंटर सीजन आ गया, तो उस टाइम जो है काफ़ी सर्दियाँ होती हैं, तो आपको ब्लोअर चलाने की जरूरत पड़ती है या फिर हीटर आप बोल सकते हैं उसे, तो यहाँ पे जो है आप हीटर चला सकते हैं 15 एम्पियर या फिर 20 एम्पियर भी रख सकते हैं, 15 to 20 एम्पियर का सॉकेट। तो ये चीज़ आपकी होगी 1 से 1.5 फुट फ्लोर हाइट से ऊपर, और ये एक 5 एम्पियर हो गया कि मान लीजिए कि इनकेस आपका कुछ जलाना है या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे हमने 2 सॉकेट दिए हैं। और ये जो AC का पॉइंट है, तो AC की कनेक्टिविटी जो है BS1 से ही होगी, और इसका जो ये जो 15 एम्पियर जो सॉकेट होगा वो आपकी जो जहाँ पे भी आपका स्प्लिट AC आप लगाएंगे तो वहाँ पे वो रहेगा, यानी कि 8 फुट पे अगर हाइट पे लगाते हैं तो 8 फुट की हाइट पे आपको इसको लगा सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स होते हैं एक रूम के अंदर। इसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि रूम के अंदर दिखाए नहीं गए हैं, जैसा कि आपका एक अगर आप ड्रेसिंग देना चाहते हैं तो ड्रेसिंग के लिए भी आपको जो है कुछ पॉइंट्स देने होते हैं, जैसा कि आपका एक 5 एम्पियर का सॉकेट चाहिए होता है, मान लीजिए कि ब्लोअर चलाना हो, आपको बाल स्ट्रेट करने हो, ड्राई करने हो, तो इसके लिए जो है एक सॉकेट, एक स्विच और एक मिरर लाइट के लिए पॉइंट चाहिए होता है। मिरर लाइट जो है आपकी 7-8 फुट पे आती है और उसका स्विच जो है नीचे होता है, तो वो चीज़ इसमें दिखाया नहीं गया, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो MSB जो स्विच है, स्विच बोर्ड, इसकी जो हाइट होगी वो कम से कम 4 या 5 फुट पे आप लगा सकते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा नहीं आपके घर में तो आप नीचे नॉर्मली 3.5 फुट पे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो 4 फीट है, और अगर उससे ऊपर की बात करें तो 5 फीट आपका आ जाता है। और BS1 और BS2 जो है आपकी जो भी साइड टेबल की हाइट होगी, मान लीजिए साइड टेबल की हाइट जो है 1.5 फुट है, तो आप इसको 6 इंच छोड़ के उसके ऊपर लगा सकते हैं, साइड टेबल से 6 इंच छोड़ के, यानी कि 2 फुट के ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो है ये AC का जो है 8 फुट पे आएगा, और ये जो है आपका नीचे होगा फ्लोर से 1 या 1.5 फुट ऊपर होगा, और यहाँ पे LCD का मैंने बताया कि LCD के लिए जो है आपको TV के लिए आपको 4 फुट पे देना होगा, जितनी ऊंचाई पे आप TV को रखना चाहते हैं, और उसके जो स्विचेस होंगे वो नीचे आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी प्लेसमेंट हो गई। तो इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों की हेल्प हुई होगी।
इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।